अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद तलशा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी, और ये है मज़ेदार सा फ्रूट कॉकटेल, फ्रूट क्रीमी कॉकटेल। तो ये रेसिपी मुझे पता है आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई की होगी, क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे दुबई में जो कि फिलिपिनो है, ये उनका डेजर्ट है। और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है, मतलब आप एक बार खाएंगे ना आपको बार बार खाने को दिल करेगा। तो इसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ मैंने ले लिया है, सबसे पहले आपको कॉकटेल नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैंने ले लिया है कॉकटेल, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले ली है क्रीम, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है एवेपोरेटेड मिल्क। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा, जो बड़े ग्रॉसरी स्टोर होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा एवेपोरेटेड मिल्क। हमें एवेपोरेटेड मिल्क चाहिए इसके लिए। और यहाँ मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप लोग हर चीज़ की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले ली है क्राफ्ट चीज़, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा बड़े सुपर स्टोर से, ये क्राफ्ट चीज़ होती है, ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है कोकोनट स्पॉट, जो मैंने पहले भी लेके आई थी, मैंने पहले भी एक डेजर्ट में यूज़ किया था, इस डेजर्ट में मैं भी यूज़ करूँगी, बहुत मज़े का लगेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एप्पल, और मैंने यहाँ पे ले लिया है बनाना, बस हमें यही चीज़ें चाहिए। और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बोल, तो इसके अंदर अच्छे से हमारे हर चीज़ मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने ये बड़ा बोल लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी क्रीम, ये फुल क्रीम है, मैं सारे डाल दूंगी। अच्छे से सब जगह से साफ कर लें। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं कंडेंस मिल्क, देखिए अच्छे से सारा आप निकाल लें। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी एवेपोरेटेड मिल्क, ये हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये भी मैं पूरा डाल दूंगी इसके अंदर। अब मैं कर लूंगी इन सबको अच्छे से मिक्स, विस्क की मदद से आप इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। इसको आपने फेंटना नहीं है, बस आपने इसको मिक्स करना है ताकि वो जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कॉकटेल। तो यहाँ मैंने कॉकटेल को एक बॉल में निकाल लिया है, क्योंकि ये कॉकटेल जो है ये ज़्यादा ही, मैंने बड़ा वाला डब्बा लिया था, तो इसका जो हम डालेंगे हाफ डालेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसका पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने हाफ डाल दिया, हाफ में रख लिया।
ठीक है। अब इसके अंदर डाल दूंगी ये कोकोनट स्पॉट, बहुत टेस्टी डेजर्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मैं डाल दूंगी अच्छे खासे, क्योंकि ये टेस्टी लगते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें इसके अंदर थिकनेस खुद ही आ जाएगी थोड़ी देर में, और वैसे भी ये इतना थिक नहीं होता। ये देखें अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है एप्पल, बनाना और चीज़ भी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखें अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एप्पल। तो यहाँ पे मैंने एप्पल को कट कर लिया है बारीक बारीक, देखें। तो अब ये सारे एप्पल मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब यहाँ मैं ऐड कर दूँगी बनाना। एक चीज़ मैं भूल गई थी, ग्रेप्स भी हमें डालने हैं, अंगूर। तो मेरे पास जो हैं ये रेड वाले अंगूर हैं और ग्रीन वाले भी हैं, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगी रेड वाले अंगूर। तो इसको हम बीच में से हाफ करके डालेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप पूरा भी डाल सकते हैं और हाफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े अंगूर हैं, इसलिए हम हाफ करके डालेंगे। और आराम से ये चार पांच बंदे खा सकते हैं, चार तो बंदे आराम से खा ही लेंगे। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप हर चीज़ को डबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आज मैं जो है साथ साथ मैं बोलती भी जा रही हूँ, वरना मैं वॉइस ओवर करती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं साथ साथ कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग, और वॉइस भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। रमज़ानों में बहुत सारे काम करने होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। इसी तरह मेरी दो तीन और रेसिपीज़ हैं, अभी तक वो मैंने एडिट नहीं की हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। ये देखिए इसके अंदर जो है आप क्रीम जो है ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये क्राफ्ट चीज़। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये अंदर से कैसी होती है। इसे मोस्टली लोग ये यूज़ करते होंगे, फिर भी जिन्होंने नहीं यूज़ किए मैं दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये बाहर होता है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से चीज़ का बाहर होता है। तो अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके कट कर लूँगी और फिर इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस कर दिए इस तरह से। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये बहुत टेस्टी लगता है जब ये मुँह में आती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। इसका हम फैला के डाल लेंगे बस। अब ये लास्ट मिक्सिंग है, बस ये हमारा डेजर्ट रेडी हो चुका है। और ये बहुत बहुत टेस्टी और यमी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा डेजर्ट रेडी हो चुका है, और इसको आप चिल करके खाएं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यमी लगता है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही ये फ्रूटी मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी है, और बहुत ही कोई क्विक एंड झटपट बनने वाली रेसिपी है। कोई आपने क्रीम को फेंटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपने झटपट सारी चीज़ें मिक्स करनी है और ये डेजर्ट रेडी है। और बहुत ही यूनिक डेजर्ट है, किसी ने भी नहीं आज तक ट्राई किया होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करके अपने मेहमानों को खिलाएं, रमज़ान में बनाएं, ईद पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो। अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे वीडियोस पर कमेंट करके भी बताएं कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, या क्या चेंजिंग आप लोग चाहते हैं।
तो मुझे बताया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।